हेलो बच्चों, आज हम अपने लेसन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। अब हम क्या पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी, वो बहुत सारी नसों से मिलकर के बनी होती है। इट इज़ थिक कॉर्ड लाइक बंडल ऑफ नर्व सेल। ये क्या होती है, ये एक बहुत मोटी तार के जैसी होती है, जिससे जो है बहुत सारी नसों से मिल कर के बनाया जाता है। मैसेजेस ट्रैवल अलोंग दी स्पाइनल कॉर्ड टू दी टू एंड फ्रॉम दी ब्रेन। जो भी मैसेजेस जो है ब्रेन तक जाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर के जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर के आते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लाइक अ कनेक्टिंग केबल। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वो एक तार की तरह है जो है हमारे दिमाग और बॉडी के बीच में। इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू द ब्रेन। ये क्या करती है, ये नसों को दिमाग से कनेक्टेड रखती है। इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड एंड फ्लेक्सिबल बट टफ बोनी स्पाइन। ये क्या है, ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट की हुई, बहुत ही फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ जाने वाली, और टफ बोनी स्पाइन है मतलब कि जो है सख्त हड्डियों की बनी हुई स्पाइन होती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। सम बॉडी मूवमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं जो कि जो है एकदम से हो जाते हैं, जबकि आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एन इवेंट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम ऐसा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बुलाते हैं। द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जब भी कोई काम बहुत जल्दी से हो जाता है, तो उसके अंदर ब्रेन जो है वो नहीं सोचता है, ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिलकर काम कर लेते हैं। जैसे कि जब आप जो है आइसक्रीम देखते हो, फॉर एग्जांपल योर माउथ गेट वाटर्ड एट द साइट ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। आपका जो मुंह होता है वो क्या करता है, जैसे ही आपको आइसक्रीम या चॉकलेट दिखाई देती है, सबके मुंह में पानी आने लग जाता है ना, ये तो नेचुरल सी चीज़ है। सिमिलरली अगर जो है आपको क्या होता है, कभी कोई सुई चुभती है तो क्या होता है, आप एकदम से हाथ हटा लेते हो। ऐसा तो नहीं ना होता है कि आप जो है बैठे रहते हो कि मेरे दिमाग से ऑर्डर आएगा तब मैं जो है अपना हाथ हटाऊंगा, तब तक तो मुझे रखना ही पड़ेगा निडल पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा हाथ एकदम से हटा लेते हैं, उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस तक ही जो है मैसेज जाता है नर्व्स लेकर के। नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर के जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड ही उन्हें बता देती है कि आप ऐसा करिए, आप जो है जा कर के हाथ हटा लीजिए। ओके, अब जैसे देखिए, दी रिफ्लेक्स एक्शन अलाउ फास्ट रिएक्शन। इन रिफ्लेक्स एक्शन ऑन टचिंग दी थ्रोन और निडल, द सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू दी स्पाइनल कॉर्ड एंड दी स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स दी हैंड टू विदड्रॉ इमिडिएटली। इसमें क्या बताया है, जैसे ही हमें कोई चीज़ चुभती है, ठीक है, या गर्म लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है हमारी जो सेंस ऑर्गन होती है, हाथ की जो स्किन होती है, वो क्या करती है, वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजती है कि मुझे यहाँ पे गर्म लग रहा है या मुझे यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, उसे तभी की तभी ऑर्डर करती है वापस से कि वहाँ से अपना हाथ हटा लीजिए, और हम फटाफट से हाथ हटा लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। The organs which help us to know about the outside world around us are called sense organs. ऐसे organs जो कि हमें outside world बाहर की दुनिया को जानने में, महसूस करने में मदद करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं,
सेंस ऑर्गन्स। फाइव सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से? हमारे आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। आईज, द आईज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। हमारी जो आईज होती है वो सबसे ज़रूरी सेंस ऑर्गन है हमारी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, वी सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आईज। हम अपने आसपास की दुनिया को किसकी मदद से देख पाते हैं? अपनी आँखों की मदद से। अगर हमारी आँखें नहीं होंगी तो हम नहीं देख पाएंगे। दी कलर्ड सर्कल ऑफ द आई इज आयरिस। अब इसमें आप देख पा रहे हैं जो कि कलर्ड सर्कल है वो क्या है? आयरिस। और हमारी आँख के अंदर जो काली पुतली होती है वो क्या होती है? प्यूपिल, ठीक है। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आयरिस इज द प्यूपिल। वो क्या होती है? प्यूपिल, उसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। आयरिस के ऊपर होती है प्यूपिल। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल। जब भी हमारी आँख में हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, हमारी आँख में लाइट जाती है, ठीक है, और वो प्यूपिल से होकर के जाती है। द नर्व सेल इन द आई सेंड मैसेज अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। जो नर्व सेल होती हैं आईज की, वो क्या करती हैं? वो मैसेज भेजती हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। हमारी जो आँख की नसें होती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? ऑप्टिक नर्व्स बुलाते हैं। वो क्या करती हैं? वो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं कि हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और हमारा दिमाग क्या करता है? उसको जो है रीड करता है कि ये चीज़ क्या हो सकती है, और हम उस चीज़ को देख पाते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज़ प्रोटेक्टेड बाई ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट होता है हमारी आँख के ऊपर कॉर्निया होता है, जिससे कि हमारी आँख जो है वो प्रोटेक्टेड होती है। आईलेट्स एंड आई लैशेज ऑल्सो प्रोटेक्ट द आईज, दे कीप आउट डस्ट एंड डर्ट। अब देखिए, हमारी आँख बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव, सबने सुना होगा ना ये बात। तो अब उसमें क्या होता है, जब हमारी आँख बहुत सेंसिटिव है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि कॉर्निया होता है हमारा। हमारी आँख की सबसे ऊपर कॉर्निया होता है, झिल्ली सी होती है एक सफ़ेद रंग की, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती है हमें। उसके बाद जो है हमारे जो आँख के ऊपर की आईलिड होती है, जैसे कि जो हमारी आँख की खाल होती है वो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती है। हमारी आँख के बाल हमारी आँख को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हमारी आँखों में कोई चीज़ चली ना जाए, मिट्टी ना चली जाए, धूल ना चली जाए। उससे क्या होता है, हमें परेशानी हो जाती है आँखों में। अब बात करते हैं ईयर्स की। वी हीयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम कोई भी चीज़ सुन पाते हैं, वो किससे सुन पाते हैं? हमारे कानों से सुन पाते हैं। द साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आउटर ईयर एंड ट्रेवल्स थ्रू द मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अब देखिए, जब भी कोई भी साउंड हमारे कान के ऊपर पड़ता है, तो हमारे कान में एंटर होता है, वो बाहर के कान से होता हुआ मिडल का कान होता है हमारा, और अंदर का कान होता है उसमें जाता है। वहाँ से ये जो है ब्रेन को भेज दिया जाता है नसों के द्वारा। ईयर्स आल्सो हेल्प टू कीप आर बैलेंस। अब देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सुनाई नहीं देती है तो क्या होता है, कितनी परेशानी हो जाती है ना। जिन लोगों को सुनाई नहीं देता होता है, उन लोगों को कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है वो बोल भी नहीं पाते हैं, तो ना तो वो बोल पाते हैं ना वो सुन पाते हैं, तो उनको कितना दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हमारे जो कान होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम बाद में पढ़ेंगे।